दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे। आज फिर हम फील्ड विजिट पे जा रहे हैं और हमारे साथ वही पुराने दोस्त हमारे मिस्टर कैलाश रामचंद और दूसरे जो उस दिन मिले थे वो मिलेंगे आगे यूनिवर्सिटी में। हम जा रहे हैं अभी तो ज़्यादा वहाँ पर दिखेंगे, वहाँ पर बनाएंगे वीडियो, तो फिर मिलते हैं आगे इंशाल्लाह खैर करें। आज हम कहाँ जाएंगे? आज हम दो फील्ड में जाएंगे। कौन सी कौन सी? एक पहले जो आपने रिकॉर्ड की थी मटियारी वाली। अच्छा हाँ, अभी दूसरी फील्ड हमने ढूंढी है, वो सरप्राइज है सबके लिए। सरप्राइज है? हाँ देखेंगे। चलो सही है, देखते हैं। अभी हम आ गए हैं यूनिवर्सिटी, ये मेन गेट है हमारा, देखें हम। दवा लिखी दी मल खड़ी ये तवाजी कैलाश। अभी क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं, बना रहे हैं।
और आप क्या कर रहे हैं भाई? यार असां भी पन कलेक्ट किया हैं, उन्हें जो हाँ एक्सरे कढ़ी उन्हें में वायरस आइसोलेट करा दे उनके अलावा हाँ उनके अलावा पंजाब गोलियों बना गुजर मिलते चिली में उन्हें देव कम करा। तो अब्दुल वहाब आप क्या कर रहे हैं भाई? मैं भी एक्सट्रैक निकालने के लिए मैडम ने बोला है कि भाई सिंपल इसमें डालो वायरल इन्फेक्शन होता है। ये क्या चीज़ है? ये इसमें ये ट्यूब है, इसमें इथेनॉल है जो इस लीफ को फ्रेश रखने के लिए काम होता है। आप ये लीफ क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? हम इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं कि ये हमें कुछ वायरल कुछ डिजीज हैं उसके बारे में पढ़ना है, चिलीज में कौन सी वायरल डिजीज लगती हैं उसके बारे में। वो हमारे एमएससी के कुछ दोस्त हैं, दोस्त नहीं है, सीनियर है हमारे। तो ये हमारी फील्ड है आज, आज हम आए हैं टरवाला यार। तो सवाल सिंधी में पूछिए। भाई आपने आज क्या किया? हमने मैडम से कुछ सीखा क्योंकि उनके पास नॉलेज ज़्यादा है, उन्होंने पीएचडी अभी कर रहे हैं, एमएससी तो कर चुके हैं पहले, तो हम तो बीएससी के स्टूडेंट हैं। तो इसी सिलसिले में हम मैडम के साथ आए थे कुछ नॉलेज गेन करने के लिए। तो पता चलेगा कि ये सिम्टम उठाए हैं और ये किस वजह से हुई है डिजीज़। अच्छा किस वजह से हुई है ये? वायरल भी अटैक है और फंगस कुछ अटैक है। आप क्या कर रहे हैं? उर्दू में बात कर। आप भी ये कैलाश वाला काम कर रहे हैं? हाँ, वायरल और फंगल दोनों से। ये मॉडलिंग वायरस का सिम्टम है, ये वायरल डिजीज है। अच्छा फंगल डिजीज है। दूसरी कौन सी है? फ्यूजेरियम मिल्टी भी है, डाउनी मिल्टी भी लगी हुई है, उसके अलावा रॉटिंग भी हुई। डाउनी मिल्टी के सिम्टम्स क्या हैं? क्या हैं डाउनी मिल्टी के? इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, लीव्स होते हैं वो येलो शक्लेंस हो जाती है। और कौन है आपके साथ? कैलाश है। पौधा जो होता है ना एक साइड से सूख जाता है, दूसरी साइड उसकी ग्रीन होती है हरी भरी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा साथ मतलब पूरा पौधा जो होता है ना वो सूख जाता है इस तरह इसकी तरह, फिर सूख जाता है, उसके बाद वो पौधा ख़त्म हो जाता है, इसमें ना प्रोडक्शन होती है ना कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता, फिर मर जाता है, खत्म हो जाता है इसकी तरह। ये देखें इस फील्ड में तकरीबन मिर्चों में मतलब चिलीज में ज़्यादातर वायरस जो होता है ना वो आसानी से लग जाता है। हम भी सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं, ये अच्छे सैंपल ले रहे हैं एमएससी का, जो उसने बताया रोफ ने कैलाश ने, उनका कोई काम है उसके लिए। इथेनॉल में इसमें अंदर रखा है, इथेनॉल है उसके अंदर, ये सैंपल लीव्स जो है ना वो ले रहे हैं हम, फिर वो इसका एक्सट्रैक्ट निकालेंगे लेब में, क्या करेंगे वो उनको मालूम। आज के लिए वो देखें वो कैलाश दिखाई नहीं दे रहा, ये दिस सही है नेत्रा? सही है ओके ओके। कैलाश के काम देखो, पता नहीं किसी गांव वाले लड़के को बोला भाई कमर उर्दू में क्या कहते हैं गन्ना, हाँ गन्ना वो तोड़ के दो, अभी वो बेचारे लड़के ने इसको गन्ना तोड़ के दिया। ये फोटो सेशन वाला जो काम होता है ना वो रिसर्च में या फील्ड विजिट में सर्वे या निकाल में काम में ज़रूरी होता है, तो हमें फ़ोटो खिंचवाने होते हैं। बोलो थोड़ा सारा अजित। जी मैं गन्ना खा रहा हूँ, आप खाओगे? मैं खा रहा हूँ।
अभी हम जा रहे हैं। अब वापस आ गए अपनी फील्ड, हमारी लेबोरेटरी पुरानी में। ये जगह आपने पहले भी देखी होगी, पुरानी लेबोरेटरी हमारी। हाँ बर्फ थी ना। ये काम करा रहे हैं भाई, चलो मैं भाई जान। तो अभी हमारा हो गया ख़त्म ये लोग, और जा रहे हैं घर। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।